नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज 1 फरवरी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एयरपोर्ट की तरह होंगे बिहार के 69 जंक्शन। बिहार सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ किया समझौता। सभी योग्य लाभुकों का आवास बनाना होगा, कोई भी छूटे नहीं। आज से राजेंद्र नगर नई दिल्ली राजधानी में मिलेगी कुक मील की सुविधा। आज से नियमों में हो सकता है बदलाव। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एयरपोर्ट की ही तरह होंगे बिहार के 69 जंक्शन। बिहार के 69 जंक्शन को एयरपोर्ट की ही तरह विकसित किए जाने की तैयारी हो रही है। उम्मीद है कि इसका काम साल 2023 तक पूरा हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में रेलवे स्टेशनों को डेवलप करने की सारी कवायद 2003 में सेमी हाई स्पीड और प्राइवेट ट्रेनों के परिचालन को लेकर काम किया जा रहा है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को डेवलप किया गया है। वर्तमान समय की बात करें तो पूर्व मध्य रेल में गया और पटना जंक्शन पर एग्जीक्यूटिव लाउंज का काम चल रहा है। इतना ही नहीं, यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वेटिंग रूम और डॉर्मेट्री को नए सिरे से डेवलप किया गया है। रेलवे की योजना यही है कि सभी स्टेशनों को डेवलप कर एयरपोर्ट की तरह सुविधा मुहैया करवाई जाए। बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे बुद्धदेव दास गुप्ता की। बुद्धदेव दास गुप्ता एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे जिन्होंने सरोद बजाया था। वो कोलकाता भारत में रहते थे। वो निबंध रिकॉर्ड्स द राग गाइड में चित्रित कलाकारों में से एक थे। बुद्धदेव दास गुप्ता का जन्म 1 फरवरी 1933 को भागलपुर भारत में हुआ था। प्रफुल्ल मोहन दास गुप्ता और भवानी दास गुप्ता के यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उनके पिता पेशे से जिला मजिस्ट्रेट थे और संगीत के शौकीन थे। हालांकि उन्होंने कभी खुद तो संगीत नहीं सीखा। दास गुप्ता ने 1948 में आयोजित मैट्रिक परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया। इसके बाद उन्होंने बंगाल इंजीनियरिंग और विज्ञान विश्वविद्यालय शिवपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और वहां दूसरे स्थान पर रहे। इसके साथ ही उन्होंने जीवन में बहुत बाद में 16 फरवरी 2010 को विश्वविद्यालय में अपने उन्हें मानद डीलिट से सम्मानित भी किया गया था। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने निकाली रिक्तियां। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने जूनियर इंजीनियर के 133 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग तय किया गया है। इसके साथ ही अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 60% अंकों के साथ प्रासंगिक डिग्री में डिप्लोमा की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 21 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.nhpcindia.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। से शुरू होगी इंटर की परीक्षा। बिहार में आज से इंटर की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। इसको लेकर बिहार भर में कुल मिलाकर 1471 केंद्र बनाए गए हैं जिनमें ही 13 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। हालांकि इस परीक्षा को लेकर पहले से ही बिहार में तैयारियों को तेज कर दिया गया था। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार पहले दिन प्रथम पाली में 1 फरवरी को मैथ्स की परीक्षा होगी। वहीं दूसरी पाली में हिंदी की परीक्षा 1:45 से शुरू होगी जो 5 बजे तक चलेगी। इसमें आर्ट्स और वोकेशनल कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा होगी। वहीं परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। स्वच्छ कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन के लिए समिति द्वारा राज्य के सभी जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। फोरेंसिक वैन और प्रयोगशाला के लिए जल्द ही होगी बहाली। आपराधिक मामलों का बिहार में तेजी से निष्पादन के लिए अपराधियों को तेजी से सजा दिलाने में वैज्ञानिक साक्ष्यों की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। इसी के मद्देनजर राज्य में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के साथ ही घटनास्थल पर जाकर साक्ष्य जुटाने के लिए 7 फोरेंसिक वैन की व्यवस्था की गई है। इसमें इन्हें हर तरह से सुदृढ़ करने के लिए वरीय वैज्ञानिक सहायक, प्रयोगशाला वाहक और क्लर्क से लेकर चालक तक के 218 पद सृजित किए गए हैं। इन पदों की स्वीकृति गृह विभाग के स्तर पर मिल गई है। साथ ही इनमें 189 पदों का रोस्टर भी क्लियर कर लिया गया है। बाकी 29 पदों का रोस्टर क्लियर करने के लिए अपराध अनुसंधान इकाई के पास प्रस्ताव गया हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार सभी पदों पर रोस्टर क्लियर होने के बाद इन पर बहाली की प्रक्रिया मार्च तक शुरू किए जाने की संभावना है। आज से इन नियमों में हो सकता है बदलाव। 1 फरवरी का दिन देश के हर नागरिकों के लिए खास होता है क्योंकि इस दिन बजट का दिन भी होता है। बजट से आम लोगों के जीवन पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप SBI के ग्राहक हैं तो आपके पैसे ट्रांसफर करना आज से महंगा हो सकता है। SBI की वेबसाइट के अनुसार बैंक ने 1 फरवरी 2022 से IMPS ट्रांजैक्शन में नया स्लैब जोड़ा है जो 2 लाख से 5 लाख रुपए का है। PNB के मुताबिक 1 फरवरी से आपकी किसी किश्त या फिर निवेश का डेबिट अकाउंट में पैसा ना होने की वजह से फेल अगर होता है तो इसके लिए 250 रुपए देने पड़ सकते हैं। इधर बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के 1 फरवरी से चेक क्लियरेंस से जुड़े नियमों में बदलाव भी किए जा सकते हैं। 1 फरवरी को सरकार LPG सिलेंडर के दाम में कोई बढ़ोतरी करती है कि नहीं। हालांकि सरकार ने दाम बढ़ाने के संकेत तो दिए थे लेकिन 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि सरकार LPG के दामों में इजाफा न करे, जिसकी जानकारी आज आपको मिल जाएगी।
आज पेश होगा देश भर का बजट। आज केंद्रीय बजट 2022-23 का ऐलान होने जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि कोरोना काल में लागू किए जा रहे दूसरे यूनियन बजट में केंद्र सरकार स्वास्थ्य को लेकर कई महत्वपूर्ण योजनाएं ला सकती है। माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ सोमवार से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। 1 फरवरी यानी कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी, जिसको लेकर हर एक वर्ग कई उम्मीदें लगाए बैठा है। खासतौर पर पिछले 2 साल में वैश्विक महामारी कोरोना ने हेल्थ केयर सिस्टम पर गहरा प्रभाव डाला है, जिसको देखते हुए पिछले साल आम बजट में स्वास्थ्य बजट में वृद्धि भी की गई और कई ऐसी योजनाएं लाई गई जिसमें कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके। इस बार भी ऐसी ही उम्मीद है। बिहार में सड़कों के रखरखाव के लिए नई तकनीक की मदद लेगी सरकार। बिहार में अब अपनी सड़कों के रखरखाव का काम नई तकनीक की मदद से करने की तैयारी हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार पथ निर्माण विभाग ने यह तय किया है कि वो अपनी सड़कों के रखरखाव की मॉनिटरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार विभाग की 90% सड़कें रखरखाव के लिए रोड मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत निर्माण एजेंसियों को दी हुई है। ऐसे में विभाग के माध्यम से इनके रखरखाव में तकनीकी पेच है। वैसे 10% सड़क अब भी इस श्रेणी में है जिन्हें रखरखाव के लिए निर्माण एजेंसी को नहीं दिया गया है। उम्मीद यही है कि इन जगहों पर सड़कों का रखरखाव विभाग अपने माध्यम से करवाने वाला है। बिहार सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ किया समझौता। बिहार सरकार ने राज्य के 149 सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कवायद तेज कर दी है। इसको लेकर बिहार सरकार ने राज्य के 149 सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को उन्नत बनाने के लिए वैश्विक इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास डिजिटल सेवा कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी के साथ बीते दिन एक समझौता किया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही अब 2 चरणों में ITI संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड किया जाएगा। पहले चरण में 2022 में 60 ITI केंद्रों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी उन्नत क्षेत्र के लिए अपने विनिर्माण डोमेन संबंधी अनुभव का लाभ उठाते हुए विशेष ITI पाठ्यक्रम विकसित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाएगी। साथ ही आधुनिक उपकरण और नवीनतम सॉफ्टवेयर के साथ सहायता प्रदान करेगी। पूर्वी चंपारण के गांधी संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। पूर्वी चंपारण का गांधी संग्रहालय शैक्षिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गतिविधियों का एक मुख्य केंद्र है। यहां पर गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित और दूसरे कई नेताओं की तस्वीरें, अवशेषों और कार्यों का संग्रह है। अंग्रेजों द्वारा किसानों और मजदूरों पर किए जा रहे अत्याचार को देखने जब महात्मा गांधी 1917 में मोतिहारी आए थे तो जिलाधिकारी ने उन्हें जिला छोड़ने को कहा, परंतु गांधी जी ने आदेश की अवहेलना की और कहा जाता है कि गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का यह भारत में पहला प्रयोग था। गांधी जी को 18 अप्रैल 1917 में धारा 144 का उल्लंघन करने के जुर्म में अनुमंडल अधिकारी ने कोर्ट में पेश किया था, जहां उन्होंने अपना पक्ष रखा और आदेश न मानने का कारण बताया था। इसी स्थान पर सत्याग्रह स्मारक स्तंभ का निर्माण किया गया है। बिहार के कई जिलों में शीतलहर तो कई जिलों में बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार के कई जिलों में इन दिनों शीतलहर की मार देखने को मिल रही है। हालांकि आज से फरवरी महीने की शुरुआत हो गई है, ऐसे में उम्मीद थी कि बिहार के कई जिलों में जारी शीतलहर से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, कई जिलों में तो बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी कर दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में 3 फरवरी को पटना समेत 17 जिले जिसमें गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पश्चिम और पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज में मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकने के साथ ही हल्के से मध्यम स्तर के बारिश के आसार है। इन मौसमी प्रभाव को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में हाईटेक हुए चोर, आईटी अफसर बन उड़ा ले गए 35 लाख की नकदी कैश। बिहार के चोर आजकल बेहद ही एडवांस नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब चोरों के चोरी का अंदाज निराला हो गया है। बिहार के लखीसराय जिले में एक बालू व्यापारी के साथ भी अजीब वाकया हुआ, जहां असल जिंदगी में फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी के लोग आधम के और 25 लाख कैश और 10 लाख के जेवरात लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार सोमवार को स्कॉर्पियो में सवार फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर अपराधियों की टीम ने लखीसराय समाहरणालय के सामने PNB बैंक के पीछे न्यू कोर्ट एरिया मोहल्ले में रहने वाले बालू व्यवसायी संजय सिंह के मकान में प्रवेश किया। घर में घुसते ही अपराधियों ने महिलाओं और बच्चों को कब्जे में ले लिया और उनसे मोबाइल छीन लिया। इसके बाद घर में रहे 25 लाख रुपए नकद और 10 लाख के जेवरात लेकर फरार हो गए। सभी योग्य लाभुकों का आवास बनाना होगा, कोई भी छूटे नहीं। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की कार्य प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत अब तक स्वीकृत आवास, पूर्ण आवास और लंबित आवासों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इस दौरान बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के तहत अब तक 26,94,118 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूरा करने के मामले में देश में बिहार तीसरे स्थान पर है, जिसके बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना को जल्द ही से जल्द पूरा करने का आदेश जारी किया। ट्रेनिंग कर लौटी कमांडो, अब दूसरी महिला पुलिसकर्मियों को देंगी ट्रेनिंग। बिहार सरकार ने बिहार में पहली बार बिहार सशस्त्र बल की 92 महिला पुलिसकर्मियों को सीआरपीएफ के अंडर में कमांडो ट्रेनिंग दिलवाई थी। इतने महीने बीत जाने के बाद भी कमांडो ट्रेनिंग पूरा कर चुकी इन सभी महिला पुलिसकर्मियों को अब तक कोई तैनाती तो कहीं नहीं मिली है, जिसको लेकर ही बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि अब ट्रेनिंग कर लौटी ये कमांडो दूसरी महिला पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देने का काम करने वाली है। यानी कि अब सीआरपीएफ के अंडर ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुकी 92 महिला कमांडो अब बिहार की अन्य महिला पुलिस कर्मियों को ट्रेन करेंगी। बिहार पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर पुलिस बल की कुल संख्या के अनुपात में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक महिला पुलिस बिहार पुलिस फोर्स में ही है। बिहार में ऐसा बिजली कनेक्शन लेना होगा महंगा। बिहार में बिजली कनेक्शन अब और ज्यादा महंगा होने वाला है, क्योंकि बिजली कंपनियों ने सीजनल कनेक्शन चार्ज में 5-30% तक का इजाफा करने का फैसला लिया है। इसको लेकर बिजली कंपनियों की तरफ से बिहार विद्युत विनियामक आयोग को एक प्रस्ताव दिया गया है। आयोग की मंजूरी मिलने के बाद अप्रैल महीने से बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएंगी। बिजली कंपनियों की तरफ से दिए गए प्रस्ताव के मुताबिक सीजनल कनेक्शन कम से कम 3 महीने और अधिकतम 1 साल से कम अवधि के लिए दिए जाएंगे। जारी प्रस्ताव में यह साफ कहा गया है कि अगर कोई साल भर में केवल 3 महीने के लिए ही बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उन्हें सामान्य बिजली दर के अलावा 30% ज्यादा राशि देनी होगी। ये राशि उसी श्रेणी के मुताबिक वसूली जाएगी जिस श्रेणी में उपभोक्ता बिजली कनेक्शन लेंगे। राजेंद्र नगर नई दिल्ली राजधानी में मिलेगी कुक मील की सुविधा। आईआरसीटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार राजेंद्र नगर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में 1 फरवरी यानी कि आज से कुक मील की शुरुआत होने वाली है। रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार केटरिंग की सुविधा पटना से आज से, जबकि 2 फरवरी से नई दिल्ली से आने वाली राजधानी में इसकी शुरुआत होगी। रेलवे की तरफ से मिली जानकारी को देखें तो कोरोना के केस कम होने और रेल यात्रियों की लगातार बढ़ रही डिमांड को देखते हुए केटरिंग में कुक मील शुरू किया जा रहा है। टिकट बुक कराने के समय अब कुकिंग मील लेने का विकल्प आ रहा है, यानी कि आज से जिन रेल यात्रियों ने पहले से अपना टिकट बुक करा लिया है उनको कुकिंग मील के लिए एक SMS लिंक भेजा जाएगा। अप्रेंटिस युवाओं की मांग पर रेलवे ने दिया जवाब। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट के कारण उठे बवाल के बाद अब अप्रेंटिस वाले युवा प्रशिक्षु भी अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अप्रेंटिस युवाओं की इस मांग ने रेलवे की मुश्किल और बढ़ा दी है। अब रेलवे ने इसको लेकर अपना बयान स्पष्ट किया है, जिसके तहत ही रेलवे ने कहा है कि भारतीय रेलवे अगस्त 1963 में अप्रेंटिस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ट्रेडों में आवेदकों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है। ऐसे में इन आवेदकों को बिना किसी प्रतियोगिता या चयन के उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रशिक्षु के रूप में लिया जाता है। हालांकि रेलवे ऐसे उम्मीदवारों को केवल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बाध्य था जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर दिया था। उन्हें 2004 से लेवल 1 पदों के लिए विकल्प के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। निगरानी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं इंजीनियर। ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर पर निगरानी विभाग की जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगा है। विभाग की तरफ से आरोप लगाया गया है कि निगरानी की तरफ से मांगे गए दस्तावेज समय पर उपलब्ध नहीं कराने के कारण जांच का काम प्रभावित हो रहा है। निगरानी तकनीकी कोषांग से पत्र मिलने पर ग्रामीण कार्य विभाग ने सभी इंजीनियरों को इस बाबत पत्र भेजा है। निगरानी विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार तकनीकी परीक्षक कोषांग की तरफ से कई मामलों की जांच की जा रही है। इसमें संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने हैं। ससमय कागजात नहीं मिलने के कारण जांच का काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, साथ ही जांच का कोई फलाफल नहीं निकल है। लंबे समय तक जांच का काम जारी होने से दोषियों को सजा देने में भी परेशानी हो रही है। बिहार के इस नई रेल सुरंग में ऑस्ट्रेलियाई तकनीक का हुआ है इस्तेमाल। रतनपुर जमालपुर के बीच नई रेल सुरंग होकर बिछाई गई डबल लाइन का NI वर्क पूरा हो गया है, जिसके बाद 29 जनवरी से ट्रेनों का परिचालन भी यहां पर शुरू हो गया है। नई सुरंग पर कुल 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसका काम अक्टूबर 2019 से ही शुरू हो गया था। वहीं 2 साल के बाद इसका निर्माण कार्य भी अब पूरा हो गया है। सबसे खास बात यह है कि नई रेल सुरंग में ऑस्ट्रेलिया की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसका डिजाइन भी अलग है। सुरंग की लंबाई 903 फीट है, चौड़ाई 7 मीटर और ऊंचाई 6.10 मीटर है। ज्ञात हो पुरानी सुरंग से 25 मीटर की दूरी पर नई सुरंग का निर्माण करवाया गया है।
बिहार के लिए आम बजट कुछ खास होने की है उम्मीद। आज देश भर के बजट को संसद में पेश किया जाना है। हालांकि आज पेश होने वाले बजट पर देश भर की निगाहें तो टिकी ही है, साथ ही बिहार को भी बजट से बहुत उम्मीदें हैं। बिहार सरकार के भाजपा कोटे के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा का कहना है कि बजट देश के विकास वाला होगा, देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा बनाने वाला होगा और अंतिम पायदान तक लोगों को लाभ पहुंचे उसको ध्यान में रखकर लाया जाएगा। बिहार के लिए भी इस बजट में खास होगा, ऐसी हम सभी को उम्मीद है। वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए आर्थिक मदद देती आई है और इससे बिहार का विकास भी हो रहा है। इस बार भी उम्मीद है कि आम बजट में बिहार को विशेष सहायता जरूर मिलेगी। अब कांग्रेस ने भी किया एमएलसी की सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान। बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव का आयोजन होने वाला है। हालांकि चुनाव को लेकर अब तक कोई आधिकारिक तारीख तो जारी नहीं की गई है, लेकिन अब इन सीटों पर सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को उतारने का काम कर लिया है, जिसके तहत जदयू, भाजपा और राजद के बाद अब कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान किया है, जिसके तहत कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का कहना है कि हमारे पास प्रत्याशियों की कमी नहीं है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और इस बार हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अजीत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को भी महागठबंधन में सीट मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हम भी महागठबंधन के अंग हैं। जिस तरह पिछले विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस 4 सीटों पर लड़ी थी, इसको लेकर भी राजद को विचार करना चाहिए, लेकिन राजद ने घोषणा कर दिया तो अब कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय लोजपा ने 38 जिला प्रभारियों की जारी की सूची। बिहार के 38 जिलों में जिला प्रभारियों की सूची बीते दिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है। जिला प्रभारियों की पूरी सूची प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी करते हुए बिहार पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि रालोजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने राज्य के सभी जिलों में संगठन के ढांचे को मजबूत बनाने, पंचायत स्तर तक पार्टी के विस्तार और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए जिला प्रभारियों का मनोनयन किया है, जिसकी पूरी सूची पार्टी की तरफ से भी साझा कर दी गई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। कलकत्ता बंगाल क्लब की स्थापना 1827 में हुई। ईस्ट इंडिया रेलवे का विधिवत उद्घाटन 1855 में हुआ। दिल्ली के सबसे पुराने कॉलेज सेंट स्टीफन कॉलेज की स्थापना 1881 में हुई। असहयोग आंदोलन तेज करने की जानकारी महात्मा गांधी ने 1922 में भारत के वाइसरॉय को दी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण का गठन 1972 में हुआ। राष्ट्रीय संवाद समिति समाचार का गठन 1976 में हुआ। भारतीय तटरक्षक बल का गठन 1977 में हुआ। भारत के पहले राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली की स्थापना 1977 में हुई। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में भारत के महेश भूपति और सानिया मिर्जा की जोड़ी ने 2009 में पहली बार मिक्स्ड डबल का खिताब भारत के नाम किया। 1971 में भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा का जन्म हुआ था। 2003 में पहली भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन हुआ था। रिकी पॉन्टिंग ने विराट कोहली के कप्तानी छोड़ने के फैसले को बताया सही। ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल कप्तानों में शुमार रहे रिकी पॉन्टिंग ने विराट कोहली के कप्तानी छोड़ने के फैसले का समर्थन किया है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि विराट कोहली के टेस्ट कप्तानी के हटने के फैसले से पहले तो उन्हें काफी हैरानी हुई थी, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि ये इस भारतीय बल्लेबाज के लिए अच्छा फैसला साबित हो सकता है। पॉन्टिंग का मानना है कि उन्होंने बल्लेबाजी में बेहतर प्रदर्शन करने और कुछ रिकॉर्ड तोड़ने के उद्देश्य से यह फैसला लिया होगा। पॉन्टिंग ने कोहली की कप्तानी की तारीफ की और कहा कि उनकी अगुवाई में भारत का विदेशों में रिकॉर्ड सुधरा और उसने पहले की तुलना में विदेशी धरती पर अधिक मैच जीते। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि कोहली के उत्तराधिकारी के रूप में रोहित शर्मा अच्छी तरह से भूमिका निभा सकते हैं। खान सर सहित 6 शिक्षकों की बढ़ सकती है मुश्किलें। सोशल मीडिया पर चर्चित शिक्षक खान सर समेत 6 शिक्षकों को हाल ही में रेलवे के आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों को गुमराह करने के आरोप में नामजद किया गया था, जिसके बाद से इन सभी शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया था। हालांकि राजनीतिक गलियारे से कई लोगों ने खान सर समेत सभी शिक्षकों के नाम दर्ज की गई एफआईआर को स्थगित करने की बात कही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यही कारण है कि अब आने वाले दिनों में खान सर समेत सभी शिक्षकों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद इन्होंने पुलिस से संपर्क नहीं किया है। कोचिंग संचालकों के साथ हुई बैठक में एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा था कि आरोपित संचालकों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। एसएसपी ने बताया है कि नोटिस लेने के लिए आरोपित शिक्षकों को खुद थाने पर आना होगा। अगर वो निर्धारित अवधि तक थाना नहीं आते हैं तो उनके घर पर नोटिस चस्पा किया जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है बबीता यादव, नुन्नू कुमार, ललन केसरी, नरेश कुमार बिंद, आर्मी बॉय, अजय कुमार, शिव कुमार पासवान, वीरेंद्र सिंह, सुनील कुमार, गौतम सिंह, आलोक कुमार, अशोक राम, पूनम कुमारी, विजय भारतीय, शहीद तनवीर, रिजवाना परवीन। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज पेश होने वाले बजट में बिहार के लिए आपकी क्या उम्मीदें हैं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।